Hello, students. What's going on? Hope everything will be fine. So, here is our video session of biology. So, in this video session, our topic is definition and terms related to life processes. इस टॉपिक में हम बायोलॉजी का चैप्टर वन आपका करेंगे और इसमें जो टॉपिक हमारा है ये है लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और टर्म्स सो लेट्स स्टार्ट चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन ऑफ बायोलॉजी इज लाइफ प्रोसेस

फस्ट वन इज लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय जो जो पहला पहली लाइन या जो पहला फैक्ट बताया गया है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय दे लिविंग थिंग्स अपने आप से मूवमेंट कर सकते हैं सेकंड लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर लिविंग थिंग्स को भोजन वायु और जल की जरूरत पड़ती है थर्ड लिविंग थिंग्स कैन ग्रो लिविंग थिंग्स जो सजीव जीवधारी होते हैं ये वृद्धि करते हैं और इनके सेल में ग्रोथ होती है साथ ही साथ एलोंगेशन भी होता है और उसके बाद मैचुरेशन और डिवीजन भी होता है फोर्थ वन इज लिविंग थिंग्स कैन रिस्पोंड टू चेंज अराउंड देम दे आर सेंसिटिव लिविंग थिंग्स अपने अराउंड यानी कि सराउंडिंग का जो चेंज होता है उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स करते हैं यानी कि अगर उनके एटमॉसफियर में कोई चेंज हुआ तो उस एटमॉसफियर में चेंज के अगेंस्ट भी वो रिस्पॉन्स करते हैं देट्स वाई दे आर सेंसिटिव यही कारण है कि उनको हम सेंसिटिव या संवेदनशील ये लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं संवेदनशील होते हैं लिविंग थिंग्स रिस्पायर

दैट मीन गेट रेड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देअर बॉडी यानी कि ये अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाल लेते हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यानी कि प्रजनन भी कर सकते हैं दे कैन हैव यंग उनके पास बच्चे भी हो सकते हैं तो ये सेवन जो लाइन्स आपको बताएगी ये रेक्टर्स थे लिविंग थिंग्स के जो कि उन्हें नॉन लिविंग से डिफर बनाते हैं सो so, इस चीज को आप राइट करोगे every student write down and learn. इसके आगे हम आगे आइए अगली चीज की बात कर लेते हैं वाट आर लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं यानी कि अगर हिंदी की हम बात करें तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम भी बोल सकते हैं तो वाटर लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं इनके अबाउट में हम यहाँ पर जानेंगे तो देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो लाइफ प्रोसेस की जो डेफिनेशन है द बेसिक फंक्शन परफॉर्मड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस जो बेसिंग फंक्शन परफॉर्म करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अपने जीवन को मेंटेन उसको सम, समन्वयित करने के लिए पृथ्वी के ऊपर ऑन अर्थ आर कार्ड लाइफ प्रोसेस यानी कि जो भी बेसिक आधारभूत क्रियाएं की जाती हैं किसी सजीव जीवधारी के द्वारा अपने जीवन को पृथ्वी के ऊपर मेंटेन यानी कि समन्वयित या बनाए रखने के लिए उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं सो सेकंड यहाँ पर लाइन दी गई है न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिस्पांस टू स्टिमुलई ग्रोथ मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर सम कॉमन लाइफ प्रोसेसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन यानी कि पोषण रिस्पायरेशन श्वसन ट्रांसपोर्ट संवहन

ये पहली डेफिनेशन आपके चैप्टर की है वाटर लाइफ तो इस डेफिनेशन को और ये पूरी लाइन आप राइट करोगे एंड लर्न करोगे ओके सो so, इसके आगे हम बात कर लेते हैं कुछ फिगर्स की तो फिगर यहां पर दिया गया है और ये फिगर है फिगर वन लिविंग थिंग्स मूव मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ बींग अलाइव दिस पिक्चर शो द मूवमेंट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स तो इस फिगर में दिखाया गया है कि लिविंग थिंग्स मूव कर रहे हैं और मूवमेंट जो होता है ये किसी भी लिविंग थिंग्स के एलिव होने का इम्पोर्टेंट साइन होता है दिस पिक्चर शो द मूवमेंट इन एनिमल्स और ये सारे पिक्चर एनिमल्स में मूवमेंट को शो कर रहे हैं फर्स्ट है ए फ्रॉग जंपिंग में धक् कूद रहा है बर्ड्स फ्लाइंग चिड़िया या पक्षी उड़ रहे हैं एथलीट्स रनिंग और ये जो एथलीट्स हैं जो धावक हैं ये दौड़ रहे हैं सो so, ये तो बात हो गई मूवमेंट इन एनिमल्स की अगर हम अब बात करें मूवमेंट्स इन प्लांट्स तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स जो प्लांट्स होती हैं होते हैं ये जो पौधे होते हैं ये भी लिविंग्स होते हैं सिंस प्लांट्स आर फिक्स्ड एट द प्लेस जो प्लांट होते एक जगह पर फिक्स होते हैं दे कैन शो मूवमेंट ऑनली बाई बेंडिंग देयर बॉडी पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्ट एन स्टमुलाई सो ये जो मूवमेंट दिखाते हैं ये अपने केवल अपने कुछ बॉडी पार्ट को बेंड करते हैं और जो कि एक रिस्पॉन्स होता है किसीमुलाई के अगेंस्ट दिस सनफ्लावर प्लांट इज सोइंग मूवमेंट बाई बेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट यहाँ पर सनफ्लावर दिखाया गया है आपको एक सनफ्लावर का फ्लावर है सूरजमुखी का एक फूल है सनफ्लावर प्लांट जो कि सन के लाइट के रिस्पेक्ट में अपना रिस्पॉन्स कर रहा है यानी कि सन की जो लाइट है यहाँ पर जो लाइट है वो का काम करेगी और ये मूवमेंट जो दिखा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं सनफ्लावर व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम एब जब सनलाइट ऊपर से आ रही है तो सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो एब उस, उसका जो पॉस्टर है एब साइड है राइट साइड right और जब सन की लाइट राइट साइड से आ रही है तो सनफ्लावर का जो प्लांट है प्लांट right तो का फिगर तो आप ड्रा करेंगे ये इम्पोर्टेंट है कि सनलाइट जो है ये स्टिमुलाई का, का काम कर रही है और यहाँ पर सनफ्लावर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है तो ये एक फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स भी आप बोल सकते हैं या फोटोट्रॉपिक यानी यानी कि कि फोटो लाइट होता है तो यहां पर लाइट जो स्टोमिलाई का काम कर रहा है इसलिए फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट सो इट्स ओके तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम क्या है बेसिक डेफिनेशंस न्यूट्रिशन मिनट हम फिर से कर लेते हैं बेसिक डेफिनेशन न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द टेकिंग फूड साइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल विच कैन बी एब्सॉर्व बाई बॉडी

सो रिस्पायरेसन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। रिस्पायरेसन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी का रिलीज होता है फूड भोजन बॉडी। जिस भोजन को बॉडी एब्सॉर्ब की रहती है उसी भोजन से एनर्जी uh, का रिलीज होता है थर्ड है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट यानी कि संवहन ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अब्सॉर्ब मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट एक प्रक्रिया होती है जिसमें सब्सटेंसेस का एब्सॉर्बन होता है या मेड वन पार्ट या जो सब्सट एब्जॉर्ब हुए रहते हैं या किसी एक पार्ट में बने हुए रहते हैं बॉडी के इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इसका मूवमेंट दूसरे बॉडी पार्ट्स में होता है यानी कि एक बॉडी पार्ट्स के द्वारा एब्जॉर्ब या एक बॉडी पार्ट के द्वारा बनाया गया कोई सब्सटैंड दूसरे बॉडी पार्ट में जब मूव कर जाता है तो इसी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट आगे करेंगे फिर डिटेल में लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे ब्लड होता है ब्लड एक एक हमारा ट्रांसपोर्ट टिश्यू का काम करता है जिसको वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं या कनेक्टिव टिश्यू भी हम बोल सकते हैं जाइलम और फ्लोएम प्लांट की केस में होता है तो आगे सब डिटेल में होगा एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में उत्सर्जन एक्सक्रीशन प्रोड्यूस इन द सेल सेल ऑफ द बॉडी शरीर की कोशिकाओं में जो अपशिस्ट पदार्थ बने होते हैं उत्पाद प्रोड्यूस्ड होते हैं उनका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी उनको बॉडी से निकाल लेना ही

चेंज होता है एक ऑर्गेनिज्म का छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म में या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि एक छोटा ऑर्गेनिज्म एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है मूवमेंट द ऑर्गेनिज्म आइदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इट्स बॉडी पार्ट वाइल रिमेनिंग एट द सेम प्लेस तो मूवमेंट के केस में ऑर्गेनिज्म या तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जैसे हमने फिगर में देखा था पहले बर्ड्स और फ्रॉग और एथलीट्स के केस में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जा रहे थे

ऑर्गेनिज्म रहते हैं ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का फिर प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनकी स्पीसीज अर्थ के ऊपर मेंटेन रहे यानी कि उनकी जाति का एग्जिस्टेंस बना रहे अर्थ के ऊपर तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं प्रजनन तो ये सब कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी लाइफ प्रोसेसेस की न्यूट्रिशन की रिस्पायरेशन की ट्रांसपोर्ट की एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन ग्रोथ मूवमेंट रिप्रोडक्शन टू राइट डाउन एवरी स्टूडेंट आल दिसन एंड लर्न सो राइट एंड लर्न इवरी स्टूडेंट और इसको आप याद भी करके चेक कराएंगे आप सेंड करेंगे चेक कराने के लिए तो राइट डाउन एंड लर्न थैंक यू वेरी मच